जानलेवा है पानी और मकान। अभी मुंबई से बारिश की मार के निशान मिटे भी नहीं थे कि भिंडी बाजार की ये इमारत मौत बनकर आ गई। आगे जाके यहाँ पर देखे तो पूरी बिल्डिंग ऐसी बैठ गई। हमारे सामने अभी तक 8-10 लोग को निकाला गया। बारिश बनी मुसीबत, बिल्डिंग बनी मौत। मुंबई में बारिश की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और बिल्डिंग कोलैप्स में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्डिंग जो आगे बना रहे उन लोग के लेबर भी रह रहे थे इसके अंदर। हमारे सामने अभी तक 8-10 लोग को निकाला गया। खुदा का बहुत बहुत शुक्र मानेंगे कि हम बच गए हैं। मुंबई में घर, सड़क और सिस्टम जानलेवा बन गए। बारिश के बाद कमजोर हो चुकी बिल्डिंग गिर गई। बारिश के बाद सड़क पर खुले मैनहोल में गिरने से एक डॉक्टर की मौत हो गई। तो क्या मुंबई में घर में रहना खतरनाक और सड़क पर चलना भी खतरनाक? मुंबई की भारी बारिश के बाद खुले मैनहोल जानलेवा हो गए। यहाँ के जाने माने डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की मौत ऐसे ही एक खुले मैनहोल में गिरने की वजह से हुई। अभी तक हम लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि वो हमारे बीच में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हादसा है, इसको हम लोग नेचुरल डेथ कभी भी नहीं मान सकते। जिस डॉक्टर की सिस्टम ने ली जान, उसे समंदर ने लौटाया। 29 अगस्त डॉक्टर एल्फिंस्टन रोड के पास एक मैनहोल में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मैनहोल के रास्ते लाश समंदर में चली गई और समंदर की लहरों ने लाश को किनारे फेंक दिया। माया नगरी मुंबई मौत की नगरी बनती जा रही है। ऐसे कमजोर सिस्टम के सामने देश कैसे कहे कि ये मुंबई है मेरी जान, क्योंकि ये मुंबई तो ले रही है जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आपने ये जरूर सुना होगा कि ये बॉम्बे शहर हादसों का शहर है और मुंबई इसको साबित भी कर रही है। अब तो मुंबई में डोंगरी के पास इमारत गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई है। अभी एक दिन पहले तक मुंबई बारिश की वजह से बर्बाद हो रही थी। बारिश की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई और आज बिल्डिंग गिरने से 21 लोग मर गए। बिल्डिंग कैसे गिरी, कौन दोषी है, ये आगे आप जानेंगे, हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक ऐसी मौत जिस पर शायद ही किसी को यकीन हो। मुंबई की बारिश में एक डॉक्टर मैन होल में जा गिरे और समंदर ने उन्हें लौटा दिया, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। बीते दिनों मुंबई की बारिश में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग गायब हो गए जिनकी तलाश अभी भी जारी है। उन्हीं में से एक थे बॉम्बे हॉस्पिटल के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट दीपक अमरापुरकर। मेरे पीछे डॉक्टर अमरापुरकर का अंतिम संस्कार हो रहा है। 29 अगस्त की भारी बारिश के बाद वो एक मैनहोल में गिर गए थे और आज समंदर किनारे उनका शव मिला। 29 अगस्त को मुंबई में सुबह से ही बारिश हो रही थी। सुबह 10 बजे डॉक्टर दीपक बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर दीपक ने 3 बजे तक हॉस्पिटल में मरीजों को देखा। लगभग 3:30 बजे डॉक्टर दीपक ने दोस्तों के साथ अस्पताल की कैंटीन में खाना खाया। अभी तक हम लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि वो हमारे बीच में नहीं है। हम लोग उसी दिन, जिस दिन ये फ्लड आया था 2 दिन पहले, हम लोग सब साथ में थे। हम लोग कैंटीन में बैठे थे, सारे डॉक्टर्स लोगों ने साथ में खाना खाया, बात चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। उसके कुछ समय बाद फिर वो निकले कि मैं घर निकलता हूँ, वाइफ अकेली है। लगभग 4:30 बजे डॉक्टर दीपक अपने घर के लिए निकले। लगभग 6:15 बजे डॉक्टर दीपक ने रास्ते में अपनी पत्नी को फोन किया और बताया कि वो जल्द घर पहुँच जाएंगे। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि NDRF की टीम भी इस मैनहोल्स के अंदर जाकर चेक कर चुकी है, लेकिन उन्हें कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं नजर आया है और यही वजह है कि अब वो BMC से बातचीत करके जो भी पॉसिबल उन्हें जगह लगती है वहां पर सर्च ऑपरेशन दोबारा करेंगे। पानी में डॉक्टर दीपक की गाड़ी फंस गई, तो पैदल ही घर जाने के लिए कार से बाहर आ गए। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उनका पैर खुले मैनहोल में चला गया, उनका छाता वहीं पर मिला। आवाज मारा कि सर आप रुक जाइए, आगे गटर खुला, इतना जोर से आवाज मार रहे थे। बस में जो 3-4 आदमी बैठे थे वो लोग भी आवाज मार रहे थे, मगर सर ने सुनाई नहीं दिया। मतलब सुन नहीं पाया, कुछ भी हुआ,
हम लोग ने इतना ही देखा यहाँ, क्योंकि इतना पानी था, हम लोग भाग के जा नहीं सकते थे। बस में लोग बैठे हुए थे तो लोग भाग के आए उनको बचाने के लिए, वो गटर के अंदर गए, फिर वापस आए नहीं, फिर उसके बाद उनका छतरी जो है वो ऊपर ही रह गया। उस वक्त लगभग 6:30 बजे थे। डॉक्टर दीपक का ड्राइवर घर पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। एनडीआरएफ सहित दूसरी रेस्क्यू टीम्स ने डॉक्टर दीपक की तलाश शुरू की, लेकिन वो नहीं मिले। आज लगभग 36 घंटे बाद उनका शव वर्ली के पास समंदर किनारे मिला। आज सुबह 58 साल के डॉक्टर दीपक अमरापुर का शव जिस नाले से बरामद हुआ है उस जगह पर हम मौजूद हैं, और ये आपको जो बड़ा नाला यहाँ दिखाई दे रहा है ये वही मैनहोल जहाँ लॉपरेल के आसपास या के जितने भी मैनहोल है वो आकर इस बड़े नाले में यहाँ खुलते हैं, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड की जगह है जहाँ से सुबह फायर ब्रिगेड को कॉल गया और यहीं पर डॉक्टर दीपक अमरापुर का जो शव है वो बरामद हुआ, जिसके बाद जो है परिजनों को इत्तला की गई। डॉक्टर दीपक के परिवार और मेडिकल काउंसिल ने इस हादसे के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। सवाल ये है कि डॉक्टर दीपक को किस गुनाह की सजा मिली, जो इस मौत का जिम्मेदार है क्या उसे सजा मिलेगी? राजीव रंजन और राकेश त्रिवेदी के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। हम ऐसे ही तो नहीं कह रहे ना कि मुंबई जान ले रही है, क्योंकि यहाँ पर 632 ऐसे आशियाने हैं। आशियाने की बात यहाँ करना जरूरी है क्योंकि आज जो खबर आई वो चौंकाने वाली थी। एक आशियाना ढह जाता है, 21 लोगों के शव उस मलबे से बरामद होते हैं, और यहाँ ये एक इमारत नहीं है, ऐसी 632 आशियाने हैं जो मौत की इमारत है। ये इमारतें इतनी जर्जर कैसे हुई, कौन है इनका जिम्मेदार, और कैसे आज फिर एक मौत की इमारत ने 21 लोगों की बलि ले ली, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझ में आएगा। मुंबई के डोंगरी इलाके में जे फ्लाईओवर के पास ये हादसा सुबह 8 बजे के लगभग हुआ। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। भिंडी बाजार में अल हुसैनी नाम की ये बिल्डिंग लगभग 117 साल पुरानी थी। बीएमसी प्रशासन के मुताबिक अल हुसैनी बिल्डिंग को साल 2011 में खाली करने का निर्देश दे दिया गया था। इस तरह की जर्जर हालत वाली बिल्डिंग को सी कैटेगरी में रखकर बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। बीएमसी में लगातार भ्रष्टाचार की वजह से और लोकल नेताओं की जो दबाव होता है कि हमारे वोटर से उनको ना खाली किया जाए, उनको रहने दिया जाए, जबकि बीएमसी की जिम्मेदारी बनती है उनको ट्रांजिट कैंप में भेज के उसको बिल्डिंग को लाइन पानी काट के उसको गिराना चाहिए। हुसैनी बिल्डिंग गिरने के बाद पास के रहने वाले मोहम्मद शमशाद ने 4 लोगों की जान बचाई। बिल्डिंग गिरने के बाद वो उन लोगों में थे जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे। शमशाद मलबे के ऊपर से जोर जोर से आवाज देते और जहां नीचे से आवाज आती उस जगह को फावड़े से हटाकर लोगों को रेस्क्यू करते। इस तरह मोहम्मद शमशाद ने 5 लोगों की जान बचाई। सर फटाफट पत्थर हटाने लगे, पत्थर हटाते हटाते देखा तो एक हम लोग वो जगह देखे तो आवाज आई उसमें से, फटाफट जल्दी पत्थर हटा उसमें से निकाले एक चाचा को, और चाचा को निकालने के बाद दूसरे चाचा को दूसरे बाजू के फिर निकाले जाके। लड़की जो थी एकदम सेफ बच्ची हुई है, वो लड़की लेके आए पेशेंट ओली पे एम्बुलेंस में डाले लेके उसको उसको यहाँ पे आए। भिंडी बाजार की अल हुसैनी बिल्डिंग में अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर होटल चल रहा था, होटल में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी लापता है। मेरा भाई है, मेरा जीजा है, दोनों लोग क्या काम करते हैं? धंधा लगा रहे थे। किस चीज़? दुकान का दुकान। मीठा मीठा नहीं होता, मीठा होता इस चीज़ की दुकान लगा देते। कब आप लोगों की अंतिम बात हो पाई थी? अभी भाई फोन करा था दुकान वाले ने, बोला तेरा भाई बिल्डिंग गिर चुकी। मुंबई के डोंगरी इलाके में बिल्डिंग हादसे के बाद एनडीआरएफ अपनी 2 टीम के साथ बचाव कार्य में जुटी है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन देर शाम तक चलने की संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड, ब्रेक डिटेक्टर समेत 22 उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से किए जा रहे हैं? एनडीआरएफ के 50 टीम, उसके अलावा मुंबई पुलिस के लोग, इसके अलावा फायर ब्रिगेड और अलग अलग तरह से, इसमें विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, चिपिंग हैमर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कटर्स और हैमर्स है, जिनसे कि हम लगातार कोशिश करके निकाल रहे हैं। इस बिल्डिंग में रहने वाले मोहम्मद अमीन पेशे से बाउंसर है। बिल्डिंग गिरने से 10 मिनट पहले किसी काम से बाहर निकले और उनकी जान बच गई। हम ड्यूटी पे आ रहे थे, हमें पता नहीं बीच का क्या है, कैसी थी ये बिल्डिंग, लेकिन हमें जब 10 मिनट पहले निकले हम, तो बाद में जब ड्यूटी पे पहुंचे तो सुना कि पीछे वो गिर गई। हमारा शुक्र है हम ये इतना करते हैं कि हम बच गए हैं भाई सेफ,
बाकी और फैमिली वगैरह भी रहती थी नीचे। इस तरह इस्माइल नाम के एक शख्स की सकीना नाम की रिश्तेदार इस बिल्डिंग में रहती थी। परिवार में 5 लोग रहते थे जिसमें सकीना घायल है और अस्पताल में भर्ती भी, लेकिन उनके पति बेटी और ससुर की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि हादसे में जिनके अपने अभी भी लापता हैं, वो अभी मलबे के बाहर मौजूद हैं, उस बिल्डिंग के वहां पर मौजूद हैं जो भरभरा कर नीचे गिर गई, और इंतजार कर रहे हैं कि उनके अपने सही सलामत किसी तरीके से रेस्क्यू कर लिए जाए। अल हुसैनी इमारत 117 साल पुरानी है जिसमें ग्राउंड फ्लोर सहित कुल 6 फ्लोर हैं। इसमें पहले कुल 13 परिवार थे। साल 2014 में 7 परिवार ये बिल्डिंग छोड़कर चले गए और अब बिल्डिंग में 6 परिवार रहते हैं। बिल्डिंग में एक फ्लोर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है जिसमें एक रेस्टोरेंट भी चल रहा था। इस बिल्डिंग को गिराया जाना चाहिए, इसके लिए नोटिस दी गई थी, इसके रीडेवलपमेंट को भी मान्यता दी गई थी, उसके टेनेंट्स की निश्चित भी की गई थी, और मई 2016 में इसको अंतिम जो डिमोलिशन है उस डिमोलिशन को भी मान्यता दी गई। बिल्डिंग हादसे को लेकर जी मीडिया ने बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता से सवाल पूछे तो वो बचने की कोशिश करने लगे। हुसैनी बिल्डिंग गिरने के बाद बीएमसी कमिश्नर मौके पर जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन जी न्यूज के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आयुक्त आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, स्क्वाड करके यहाँ लेकर जा रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं हम हमसे, और आप देख सकते हैं उनके बॉडीगार्ड। अल हुसैनी बिल्डिंग में रहने वाले जफर और उनकी पत्नी अभी भी मलबे में फंसे हैं। उनके बेटे और बेटी की हादसे में मौत हो गई। परिवार के एक सदस्य जिनका नाम सुहेल है, वो अभी भी अपनों को तलाश रहे हैं। इस बिल्डिंग में लतीफ नाम का एक शख्स भी रहता था। हादसे में वो घायल हो गया और बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। इसी बीच रेस्क्यू करने वाले लोगों को मलबे में उनका मोबाइल मिला जो कि पूरी तरह टूट गया था। लोगों ने उस फोन का सिम दूसरे फोन में डालकर लतीफ के परिवार वालों को हादसे की खबर दी। एक आदमी को निकाले तो उसके पास से मोबाइल मिला हमारे को, वो आदमी को हम लोग जेजा हॉस्पिटल पहुंचा दिए। इसके अंदर फोन बज रहा था, जब हमने उसको उठाया ना तो इसमें फोन लग रहा था, बज रहा था, तो इसमें फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमने इसका सिम कार्ड निकाल के दूसरे नंबर पर डाले, तो उनके घर वाले का रिलेटिव वाला का फोन आया। हमने उनसे बात भी करे और उनको बता दिए कि आप जो कोई भी हो, उनके साले का फोन आया, उनकी वाइफ का फोन आया। अभी भी मुंबई में मौत के 632 आशियाने हैं। बीएमसी ने इनको खतरनाक इमारतों की सूची में रखा है। इनमें से 486 जर्जर इमारतें निजी हैं। सबसे ज्यादा 111 खतरनाक इमारतें मुंबई के कुर्ला इलाके में हैं। इसके बाद एन वार्ड में 66 खतरनाक इमारतें हैं। दरअसल मुंबई में इमारतों की रीडेवलपमेंट का प्रोसेस इतना धीमा और जटिल है कि लोग जल्दी घर खाली करने को तैयार नहीं होते। नोटिस मिलने के बावजूद वो अपना घर नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि पता नहीं उन्हें अपना आशियाना वापस मिल भी पाएगा या नहीं, और यही वजह है कि हादसे हो रहे हैं। मतलब अभी मुंबई की स्थिति आप समझ रहे हैं, घर में रहे तो भी खतरा कि कभी भी भरभरा के ये गिर जाएगी, और बाहर निकलिए तो ये मैनहोल आपका इंतजार कर रहे हैं। ना बाहर सुरक्षित मुंबई में, ना अपने घर में।